नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन में 23 पार्टियों को बुलाया था, लेकिन कुछ ही दल शामिल हुए। सोमवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ। कांग्रेस को यात्रा के समापन के दौरान विपक्षी नेताओं की लंबी कतार की उम्मीद थी, लेकिन सोमवार को पार्टी को निराशा हाथ लगी है। सोमवार को यात्रा के समापन पर कांग्रेस को विपक्षी एकता को लेकर अपनी उम्मीदों पर बड़ा झटका लगा है। दरअसल विपक्ष को एकजुट करने के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर 23 दलों को न्योता दिया था, लेकिन आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए केवल 8 दल ही पहुँचे थे। खबरों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 राजनीतिक दलों के मंत्रियों को समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन केवल कुछ नेताओं ने ही श्रीनगर में कार्यक्रम में भाग लिया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि जिन पार्टियों को न्योता दिया गया है वो जम्मू कश्मीर के शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा था कि आप 30 तारीख को श्रीनगर में नज़ारा देखेंगे। यहां बैठक में भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद साल 2024 के चुनाव के संदर्भ में अगला कदम क्या उठाया जाना है उस पर चर्चा होगी, लेकिन जयराम रमेश ने इस बयान से बिल्कुल अलग श्रीनगर में कुछ और ही देखने को मिला। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पर कई बड़े विपक्षी दल शामिल नहीं हुए। इनमें अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी जैसे दल शामिल थे। एक्सपर्ट के मुताबिक इन दलों के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि टीएमसी से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता खुद को प्रधानमंत्री की दौड़ में रखना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बिहार की दो राजनीतिक दलों का गायब रहना चर्चा का विषय बना रहा। बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू और आरजेडी दोनों ही दल श्रीनगर नहीं पहुंचे। इनके नेता यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। हैरान कर देने वाली बात यह इसलिए है कि बिहार में गठबंधन सरकार में आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस के साथ शामिल हैं। बावजूद इसके दोनों ही दल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से नदारद रहे। समापन समारोह में शरद पवार की एनसीपी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू, सीपीएम ने हामी भरी थी। हालांकि कहा जा रहा है कि खराब मौसम के कारण इन दलों के नेता यहां नहीं पहुंचे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह कह पाना मुश्किल है। वहीं कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, जिनमें एनसीपी, शिवसेना, जेएमएम, डीएमके का साथ मिला था। यात्रा के महाराष्ट्र में प्रवेश करने पर आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले खुद राहुल गांधी के साथ चले थे। संजय राउत भी जम्मू में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए थे, लेकिन श्रीनगर में आयोजित समापन समारोह में इन में से कोई भी नेता नहीं पहुंचा।